आज की जो हदीस है वो ये है, अल्मुमिनु मालफुन, कि जो मुसलमान होता है और मोमिन होता है वो मोहब्बत की जगह है। अब यहाँ पर मतलब ये है कि मुसलमान और मोमिन, उसके अंदर सख्ती नहीं होती, उसके अंदर ज़रूर ऐसा नहीं है कि ज़रूरत के वक्त सख्ती नहीं होती, बल्कि मोमिन की जो सिफत होती है वो भोला भाला होता है, कमी ना नहीं होता। तो मोमिन अल्लाह की तरफ से जो हकीकत में बनाई हुई चीज़ है वो ऐसी चीज़ है कि वो मोहब्बत से भरा हुआ होता है, उसके अखलाक अच्छे होते हैं, उसकी ज़बान अच्छी होती है और हर चीज़ अच्छी होती है। अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जिस शख्स ने किसी पर जुल्म किया वो क़यामत के दिन अंधेरे में होगा। मतलब क्या है, किसी का नाहक माल मार लिया, किसी को नाहक टॉर्चर किया, तो ये सारे लोग कहाँ होंगे, कल को जहन्नम में होंगे और तारीकी में होंगे। अगली हदीस है, अल खल्कु अयालुल्लाह फअब्बल खल्क इलल्लाह मन अहसन इलैहि, कि अल खल्कु की तमाम मखलूक जो है, तमाम मखलूक अल्लाह की बनाई हुई ही चीज़ है, यानी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। और अल खल्कु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह ने पैदा फरमाई है, और फहब्बुल खल्क़ और मखलूक में सबसे अच्छा कौन है, जो अपने मातहतों पर, यानी कि अपने मातहतों पर अच्छा रहे। इस हदीस में कई चीज़ें शामिल हैं। एक हदीस में ये वही बात आ गई कि अल खल्क़ अयालुल्लाह, कि तमाम मखलूक अल्लाह पर डिपेंडेंट है, यानी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तमाम मखलूक में से किसी का कुछ नहीं हो सकता। फहब्बुल खल्क़ अयालुल्लाह, और मखलूक में सबसे अच्छा वो है जो सबसे अच्छा मखलूक में वो है जो किसी दूसरे के काम आए, यानी अल्लाह ताला किसी न किसी के काम हमेशा आता है, और मखलूक में सबसे अच्छा शख्स वो है जो किसी न किसी मखलूक के काम आए।